दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, हम सीधा जानकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी भाई बहन चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर दबा लेना, तब आप चैनल से जुड़ जाएंगे और आप जानकारी आपके पास पहुंचती रहेगी। हमारे पास एक मैसेज आया, यहां पर आंगनबाड़ी बहन का पैसा आया है, तारीख आपको हम दिखाना चाहेंगे 8/12/2020 यानी कल आंगनबाड़ी बहन के खाते में 5500 रुपए ये और साथ ही साथ 4500 रुपए ये, यानी उनका पूरा 10,000 जो मानदेय मध्य प्रदेश में मिलता है। तो मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहन का नवंबर महीने का यानी पिछले महीने का 8 तारीख को इनके खाते में पैसा पहुंचा है। और भी बहनें होंगी जिनका पैसा खातों में गया होगा मध्य प्रदेश में कल 8 तारीख को, तो उनके लिए खुशखबरी है। साथी बहन ने लिखा, सुधांशु भैया नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा तहसील के ग्राम टिटोरिया वहां के महेंद्र जो है मालवी हूं। आष्टा परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का नवंबर माह का मानदेय आ गया है, कृपया इसे चैनल पर दिखाइए, धन्यवाद। तो स्वागत है आपका। साथ ही मैंने आपको दो दिन पहले और बताया था कुछ बहनों का अभी इसके कुछ और पहले की तारीख में भी मध्य प्रदेश में पहुंचा था। ये ऐसा होता है कि एक ही तारीख में नहीं पहुंचता है, काफी लोगों का कुछ ब्लॉकों पर जिलों पर परियोजनाओं में अलग अलग जो है तारीखों में क्लियर होता है। तो इसीलिए इनका 8 तारीख को क्लियर हुआ है, कुछ का इससे पहले भी हो गया था नवंबर का। तो आगे चलते हैं, आपको अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। आपको पिछले वीडियो में दीपा गुप्ता बहन के द्वारा भेजी गई जानकारी दिखाई गई थी जिसमें बिना पोषक तत्वों के ही हो रहा है पोषाहार की आपूर्ति उत्तर प्रदेश से, ये मसला था जिसको हमने बहुत ही बढ़िया दोपहर के वीडियो में रखा था। क्या आप सबने दोपहर का वीडियो देखा है? कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखिए, जिसने देखा है जिसने नहीं देखा है एक बार जरूर लिखना। सबसे पहले आपको यह भी बताना चाहेंगे, एक और यहां पर मैसेज देखिए, ये इस तरह से आंगनबाड़ी बहनों को जो है बोला जा रहा है कि सभी LS टोकन के द्वारा THR वितरण करवाना सुनिश्चित करें। विभाग द्वारा 10/12/2020 यानी 10 दिसंबर तक समय सीमा रखी गई है, अन्यथा सेविकाओं की एक माह का जो है मानदेय कटौती की जाएगी, अर्जेंट है, ऐसे लिखकर के मैसेज दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूर्णिया है रुपौली प्रखंड में और आंगनबाड़ी सेविका बहन वार्ड नंबर 6 उनको ऐसे करके मैसेज भेजे गए। तो ऐसे बहन ने मुझे फॉरवर्ड किया है मैसेज, जो विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि आप लोग अगर 10 तारीख तक इस OTP प्रणाली के जरिए THR वितरण नहीं करती हैं तो आप लोगों का मानदेय एक महीने का काट दिया जाएगा। तो यहां पर इस तरह से बहनों को जो है उनके बल को झुकाने के लिए भी किया जा रहा है। साथ ही अजय कुमार भाई हैं, उन्होंने मुझे ये कुछ मैसेज के स्वरूप कुछ चीजें भेजी हैं जिनमें आंगनबाड़ी बहने हैं और वो अपना धरना प्रदर्शन कर रही है। सहरसा जिले से आंगनबाड़ी बहने हैं, काफी संख्या में है और ये सब बहने OTP व्यवस्था को लेकर के विरोध अपना दर्ज कर रही है। एक तरफ ये चला, दूसरी तरफ विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं वो आंगनबाड़ी बहनों को बोल रहे हैं कि THR का वितरण 10 तारीख तक करिए, अन्यथा की स्थिति में जो है एक महीने का मानदेय काट दिया जाएगा। दूसरी तरफ हमारी बहनें अपने हक अधिकार के लिए होने वाली समस्याओं को लेकर के धरने पर बैठी हैं और जगह जगह विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार इसके बारे में जरा सा भी सोच नहीं रही है। आगे चलते हैं और आपको बता दें एक और यहां पर खबर मैंने। साथी दोस्तों अब बात करते हैं, छोटी सी आपको झलक दिखाएंगे मध्य प्रदेश की। ये देख लीजिए, जो ये नर्स बहने हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है बर्ताव, और ये एक और देख सकते हो ये क्यों हो रहा है वो हम आपको बताना चाहेंगे। संविदा नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रदर्शन ये लोग कर रही थी, कोरोना वॉरियर्स पर पुलिस ने अपना लाठीचार्ज किया। मध्य प्रदेश की ये आप लोगों को हम तस्वीर दिखा रहे हैं, दो दिन से ये अपने संविदा नियुक्ति को लेकर के मांग कर रही थी। दरअसल कुछ समय पहले जब इनकी जरूरत थी तो सरकार ने जो इन पर फूल बरसाए थे, ये देख लीजिएगा, पहले सरकार ने इन पर फूल बरसाए थे और बाद में अब क्या लाठियां मिल रही है वो आप देख लीजिए। प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, अपनी नौकरी को बचाने के लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने इनको हटाने का बंदोबस्त कर लिया। नौकरी वापस मांगने को लेकर के CM से मिलने पहुंची थी ये नर्सेस बहने, जो अभी कोरोना संक्रमण काल में कोरोना वॉरियर्स का इनको दर्जा दिया गया था। लोग इनके लिए फूल बरसा रहे थे, सरकारें भी फूल बरसा रही थी क्योंकि इनके काम को देखते हुए, और आज जब ये अपने हक अधिकार के लिए बाहर निकले तो इन पर लाठीचार्ज किया जा रहा। तो आप देख लीजिए ये हमारी सरकारों का दोहरा चेहरा होता है, एक तरफ कुछ और होता है दूसरी तरफ कुछ और होता है। कहने का कुल मिलाकर के नतीजा यही आता है नाप तोल करके कि जब सरकार को जरूरत होती है तो अपना अच्छा अच्छा सब उनको दिखाई देता है और बहुत ही ज्यादा फूल बरसाते हैं। जैसे काम निकल गया वैसे ही जरूरत खत्म, वैसे ही फिर देख लीजिए क्या सरकारें शुरू कर देती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, अनीता बहन है उनके द्वारा देख लीजिए, ये हमारे पास एक लेटर आया था सेवा में बाल विकास परियोजना अधिकारी सुकरौली कुशीनगर वगैरह से। और बाकी जो आपको बता दें पिछला वाला जो मैंने आपको खबर दिखाया मध्य प्रदेश में, ये भास्कर वालों की तरफ से खबर छापी गई है 4/12/2020 को। आपको यकीन ना हो तो जो दैनिक भास्कर पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में वो देख रहे, ऑनलाइन वगैरह भी निकाल लीजिए, इंटरनेट से गूगल वगैरह सर्च करके भी देख लेना, आपको 4 तारीख की डेट में सब मिल जाएगा। इसके आगे आपको बता दें, यहां कुशीनगर परियोजना में आंगनबाड़ी एक बहन है, उनके वहां समस्या आ रही है समूह में वितरण को लेकर के, यही कच्चा राशन वाला। तो यहां पर उनका कहना जितना भी उनको मिलना
मिला था वो पूरा पहली बात मिला नहीं है, गेहूं वगैरह और मिला है चावल वगैरह उनको जो है नहीं मिला है, ये देख लीजिए वितरण चावल का नहीं किया गया। ऐसे करके बहुत सी भ्रष्टाचारियां हो रही हैं जिसके खिलाफ बहन ने अपना ये पत्र शिकायत पत्र वगैरह अपने विभाग को भेजा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अनीता बहन। देखते हैं विभाग इस पर क्या प्रतिक्रिया लेता है। इसके अलावा दोस्तों बता दें उन्होंने ये भी अपना भेजा था उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन कुशीनगर, उन्हीं की तरफ से भेजा गया एक ये प्रारूप जिसमें आप देख लीजिए मात्रा वात्रा सब चावल वावल की चढ़ा दी गई है, गेहूं की भी चढ़ी है लेकिन चावल दिया नहीं गया ना ही उसका वितरण किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें यहां पर एक और हमारे पास ये आया है समाहरणालय कटिहार की तरफ से, यहां पर जो है 8 तारीख को लेटर निकला है यानी कल, और कल सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कटिहार में उनको बोला गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो पोषाहार लिए जो टोकन प्रणाली है उसको लागू करिए, उसके संबंध में लेटर आया है। कहा जा रहा है कि जिला अंतर्गत 5% आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही पोषाहार वितरण किया गया है, बाकी की जगह हुआ नहीं है, जो अत्यंत ही प्रशंसनीय वगैरह लिखा हुआ है। यहां पर देख लीजिए कहा क्या जा रहा है, अन्य जिलों में पोषाहार वितरण की स्थिति अत्यंत ही प्रशंसनीय है तथा उक्त प्रणाली द्वारा पोषाहार वितरण किया जा रहा है, तो यहां पर इनके यहां कटिहार में नहीं हो रहा जिसके चलते समस्याएं हैं। इनका कहना है कि नवंबर के पोषाहार वितरण हेतु टोकन जो है यहां पर 10/12/2020 तक उपलब्ध रहेगा, उसके पश्चात जो है दिसंबर के पोषाहार वितरण हेतु टोकन के उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो यहां पर यह भी कहा जा रहा है पर्यवेक्षिका को निर्देशित कर दें अपनी चीजों को लेकर के, जो भी संघ के नेता हैं उनसे भी बात करना सुनिश्चित कर लें इन चीजों को लेकर के, क्योंकि टोकन प्रणाली है ओटीपी जो आती है वो ज्यादा समय के लिए वैलिड नहीं रहती है, तो यहां पर उन्हें समय पर दर्ज करना भी पड़ता है। तो अब आप लोग सोचिए अपना अपना जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो भी मैटर करता है वो यही कि यहां पर टोकन प्रणाली में दिक्कतें आ रही हैं मोबाइल नंबर को लेकर के। आगे आपको बताना चाहेंगे एक मैसेज ये है, सचिवालय सेवा के 10% जो पद हैं उनमें सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए वो रखे जाते हैं। आज की खबर 8 तारीख को ये छपी होगी, मध्य प्रदेश से हरिशंकर भाई हैं, उन्होंने मुझे भेजा हुआ था। चलिए इस मैटर पर भी थोड़ा आप लोग फोकस कर लीजिए कैसी बात की जा रही है। भास्कर न्यूज की तरफ से ये भी आया था कि सेवा में जो है कर्मचारियों की सीधी भर्ती के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलेगा, इसके लिए सचिवालय मंत्रालय सेवा भर्ती नियम से संशोधन कर दिया गया है। सीधी भर्ती के 33% पद महिलाओं से भरे जाएंगे, यह आरक्षण हर वर्ग के पदों के अनुसार होगा। इसी तरह हर श्रेणी में जो है 6% पद जो है दिव्यांगों के लिए भी आरक्षित रहेंगे। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सचिवालय सेवा में सीधी भर्ती के उपलब्ध पदों में अनुसूचित जाति के लिए 16, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण होगा। इसके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो उनका फिर से विज्ञापन भी निकाल दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए ये भी खबर एक आई थी। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे एक आंगनबाड़ी बहन है, ये सादनीसा खातून बहन, उनके वहां पर भी एक मुझे फोटो भेजा गया है। इसके अलावा ये सीतापुर से बहन है गुप्ता, उनके द्वारा भी राशन का वितरण किया गया है। इसके अलावा एक और हमारे पास मैसेज आया है, यहां पर एक आंगनबाड़ी बहन है, उनका भी कहना है कि बाल संरक्षण समिति के अंतर्गत अपने गांव में मुझे सचिव बनाया गया है, इसमें अनाथ बच्चों, बाल मजदूरों, एकल गरीब अभिभावक, इनके बच्चों को जो है कुछ ना कुछ जो भी लाभ स्वरूप 2000 रुपया बताया जा रहा 3 वर्षों तक मिलेगा, उस चीज को लेकर के बहन ने अपना काम वगैरह शुरू किया। बहन का कहना है ऐसे चीजों के बारे में जागरूक होना चाहिए। फिलहाल हमने पूर्व में बताया था 3 साल तक जो भी ये चलेगा उसके बारे में सरकारी आदेश भी दिखाया था। अब आगे आप लोगों को बताना ये चाहेंगे कि अब आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाने जा रहे हैं, आंगनबाड़ी बहनों की मेहनत दिखाने जा रहे हैं, कैसे कैसे करके काम करवाए जाते हैं और कितना खर्चा भी आता है और कैसे अपनी जिम्मेदारियों को बहनें बखूबी निभा रही हैं। लेकिन जब ये बूढ़ी हो जाएंगी यानी वृद्ध हो जाएंगी तो इनको भी सरकार जैसे बाकी की 60,000 बहनों को निकाल दिया है वैसे इनको भी साथ निकाल देगा। तो यहां पर एक चिंता के साथ में और उत्तर प्रदेश सरकार से भी यही उम्मीद। यहाँ पर देख सकते हो गोद भराई का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और जो सामने आप लोगों को सामग्री दिख रही है उसमें भी आपको नजर आ रहा होगा और पीछे आप देख लीजिए कितनी सारी भीड़ भी आपको दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसे कार्यक्रमों को मनाने के लिए, जन समुदाय को जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी बहनें ऐसे कार्यक्रमों को मनाती हैं। फिर भी जो है इनका जो पैसा आता है, जो खर्च होता है, वो उनके खातों में समय पर कभी भी जाता नहीं है। काफ़ी बहनों का कहना होता है कि उन्होंने कार्यक्रम पर तो मनाती चली आ रही हैं लेकिन उन कार्यक्रमों का पैसा आज तक उनको नहीं मिला है। तो अभी बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये काफ़ी सारा आइटम रखा हुआ है और जगह जगह बहनें अपने अपने हिसाब से क्षमता के अनुसार और भी ज़्यादा इसको बढ़ाती हैं और भी अच्छे से कार्यक्रमों को मनाती हैं। फिलहाल तो आप यहाँ पर गाने बजाने का इनका कार्यक्रम ये भी देख रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर जो है ऐसे लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इनको समझाया भी जाता है कि बच्चों को अपने क्या खिलाएं, क्या करें। बाकी जो लोग बैठे हुए हैं ये इसमें लोग भी काफ़ी बोर हो जाते हैं सुनते सुनते, हम सब समझते हैं चीज़ों को। अब आप देखिए बहन समझा रही हैं, इनकी बातों को थोड़ा सुनिएगा। गर्भवती महिला मीरा देवी तथा गर्भवती महिला प्रमिला देवी का आज गोद भराई किया जा रहा है। आप लोग को बताया जा रहा है कि क्यों गोद भराई किया जा रहा है कि आप लोग ये जो आप लोग हरा साग सब्जी खाएंगे, फल खाएंगे और नारियल
तोड़कर इसमें जो पानी आता है वो खाएंगी तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा और गोरा भी होगा, चमकीला होगा, इसलिए आप लोग को खाने के लिए बताया जा रहा है, आप लोगों को समझाया जा रहा है कि आप खाएंगी तो मतलब आप लोग का बच्चा स्वस्थ रहेगा, अधिक खुशी नहीं होगा, लंबाई बढ़ेगा और स्वस्थ रहेगा, मोटा होंगे और लंबा भी और दिमाग भी तेज रहेगा आप लोग, इसलिए आप लोग का आप लोग को आयरन का गोली 180 खाना है, आप लोग को सुबह आयरन सुबह कैल्शियम खाना है और शाम को आयरन की गोली खाना है, और अगर आयरन को गोली दूध से नहीं खाना है आप लोग को सोते समय केवल पानी से, अगर आप लोग को अगर खाने में कोई दिक्कत होती है तो नींबू के साथ भी नींबू पानी के साथ भी आयरन की गोली खा सकते हैं, इसलिए आप लोग को हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगा, आप लोग अच्छा से खाएंगी, और ये सब जो रखा गया है आप लोग को दाल है चतुरंगी आहार, दिन भर में आप लोग कितना आहार खा लेती हैं, चार कलर का खाती हैं ना, कौन कौन सा है चार कलर में, जैसे सफ़ेद में हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया और ये दही हो गया, ये सब अंडा हो, टमाटर हो गया, गाजर हो गया और चुकंदर हो गया, ये सब जो है लाल में आता है, और मांस मछली भी लाल में ही आता है जो आहार है, तो मांस मछली खा रहा है, और हरा में है जैसे साग हो गया, सब्जी हो गया, ये सब हरा में आ गया, तो हर सब्जी हो गया, और पीला में और ये सब दाल है जैसे अरहर का दाल है, उतैला उतैला नहीं, ये अरहर का दाल, ये सब जो भी है मटर चना उड़द जो भी है सब पीला है, और फल भी आप लोग को पीला है जैसे केला हो गया, नारंगी हो गया, ये सब आप लोग को पीला खाना है, इसमें चतुरंगी आहार आप लोग को सुबह सुबह आप लोग को जैसे दिन में दो बार आराम करना है, आप लोग दो बार आराम कर कीजिए ताकि बच्चा भी आराम करेंगी तो बच्चा विकास होता है, इसलिए दिन भर खटते ही मत रहिए आप लोग, काम घर का दिन भर करते ही मत रहिए आप लोग, आराम भी दिन में किया करिए, और भोजन थोड़ा थोड़ा करके चार बार आप लोग को दिन भर में खाना है।